ये सिर्फ एक डायरी नहीं, इमाम की मोहब्बत उसकी दीवानगी है। मालूम है मुझे। नहीं, आप सिर्फ इतना जानती हैं कि इमाम जुनैद को पसंद करती है, उसके आगे आप कुछ नहीं जानती। मगर जुनैद तुम्हें पसंद करता है। हमें जुनैद के बारे में नहीं, इमाम के बारे में सोचना चाहिए। तुम भी तो जुनैद को पसंद करती हो। पसंद और मोहब्बत में बहुत फर्क होता है अम्मी। पसंद बदल सकती है लेकिन मोहब्बत अटल होती है। उफ। नूर आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं अपनी बहन के साथ ज्यादती नहीं करना चाहती। मैं इमाम से उसकी मोहब्बत नहीं छीन सकती। मकाना बातें मत करो, ये इमाम का माजी है। वो अभी इसी माजी में जिंदा है, अगर निकलने की कोशिश की वो मर जाएगी। नहीं मरती, वो मंगनी हो चुकी है उसकी और उसने उस मंगनी को कबूल किया है। तुम्हारे अब्बू ने उससे पूछा है, वो खुश है। खुश नहीं है। इतनी बार मैं खुद अपनी आंखों से उसे रोते हुए देखती हूँ, आपने नहीं देखा? आप माँ है उसकी, आप तो उसके बारे में सोचें। इमाम के साथ जो कुछ हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार भी तुम हो। शर्मिंदा हूँ, अपने किए पर माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन के अरमानों का खून करके जुनैद से शादी नहीं कर सकती। उम्मीद है कि आप भी माँ की खुशियों का सोचेंगे जैसे मैं सोच रही हूँ।